नमस्कार दोस्तों, गैजेट एंड रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये 5 बैंड रेडियो है, इस पे FM, TV1, TV2 इस प्रकार चैनल होते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों रेडियो में जब ट्यून करते हैं तो इसका पॉइंटर गिर गया है, डोरी टूट गई है। रेडियो चालू करने के बाद ओके बताता है, तो दोस्तों चल के खोल देंगे, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पैक कवर को हटा के साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस पुश को आगे ढकेलना होता है और ये पट्टी निकल जाती है। हमने ये बैटरी उतार दी इसकी, इसमें चार्जिंग सिस्टम भी होता है दोस्तों, एक छोटा सा बैटरी आता है मोबाइल का। इस प्रकार इसे 1, 2, 3, 4 स्क्रू होते हैं, हम एक खुलवा लेते हैं। हमने इसके नट खुलवा लिए है, इसमें इसका एंटीना है, ये बैंड स्विच है, ये मीडियम वेव एंटीना कॉइल है। उसके बाद इसको गैंग बोलते हैं, के बाद में जो ये कॉइल्स है IFT, ये ट्रिमर होते हैं दोस्तों इसके ऊपर, ये IC। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसका पॉइंटर क्यों नहीं वर्क कर रहा है। इसके 3 नट होते हैं, तो इसकी डोरी टूट गई है, ये देख लीजिए इसका धागा टूट गया है। अब हम इसे नया धागा चढ़वाएंगे, लाइन डोरी बोलते हैं। इसके बाद में इसका ये ड्रम व्हील होता है, तो इस ड्रम व्हील से ये गैंग मूव होती है, देख लीजिए। इसकी ड्रम पट्टी भी लगवाना पड़ेगी और लाइन डोरी भी लगवाना पड़ेगी। पॉइंटर तो दोस्तों खैर इसमें ही पड़ा है, हम इसे अभी इस पॉइंटर को इसके अंदर लगवा देंगे। इसकी डोरी बांधते हैं, शुरू में आप इसे ड्रम को इतना घुमा लो, बाद में ये पुली से 2 नंबर पुली से ओके, इस पे आप 2.5 लपेटे मारिए, 1, 2, 2.5। उसके बाद दोस्तों आप इसे इस तरह से खींच लीजिए ओके। अभी दोस्तों इसकी ये ड्रम पट्टी हमने नई लगाई, इसको थोड़ा घुमा के देखना दोस्तों, ये अभी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो हमें काउंटर नीचे लगाना पड़ेगा। थोड़ा पॉइंटर ऊपर ले लेंगे, ये एंटीना वायर होती है दोस्तों, इस तरह से इसकी डोरी टूटी थी, कुछ पॉइंटर गिरा था, हमने लगा दिया है दोस्तों।